जय श्री शोभला हिमाचल हमारा नमस्ते जुले दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ सांगला वैली के आज़ाद कश्मीर गांव में और आज मुझे जाना है केदारचो जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैंने सोचा क्यों ना उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर मैं चल पड़ी हूँ केदारचो के लिए और आप भी मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आप जब किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे होते हो तो बीच में जो रास्ते आते हैं ना उनकी भी अलग ही खूबसूरती होती है। जैसे कि आप देख सकते हो नदी, पहाड़, पेड़, पुराने घर, तभी ये सही कहा गया है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। और दोस्तों, आज जहां मैं जा रही हूं उस जगह का नाम है केदारचो, जो मेन सांगला मार्केट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारचो को जाते हुए यहाँ आपको मिलेगा सांगला का ट्राउट फिश फार्म, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये सामने है भासवा रिवर, जो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस नदी के दोनों तरफ देवदार के पेड़ दिखेंगे, जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देती है। और दोस्तों, ये जो बिल्कुल सामने आप गांव देख रहे हैं, इसके ऊपर से ये जो रास्ता जा रहा है वो है सांगला छितकुल रोड। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल इसके अपोजिट में हूँ और मैं जा रही हूँ केदारचो की तरफ। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं थक चुकी थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने सोचा यहाँ पेड़ के नीचे आराम किया जाए और मैंने यहाँ 5 या 10 मिनट आराम किया। यहाँ के जो गांववासी है अपने जो पालतू गाय होती है इनको जंगलों में चरने के लिए सुबह ही छोड़ देते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये गाय खुद ही शाम होते ही या पेट भरते ही वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। और मैं पहुंच चुकी हूं अब केदारचो। आप ये व्यू देख सकते हैं, ये पहाड़, ये पेड़ और एकदम पीसफुल जगह। जब मैं केदारचो पहुंची, यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चलने लग पड़ी थी और मैंने इसलिए स्वेटर पहन लिया था। और जो यहाँ पे मैं बीच ग्राउंड में अकेले बैठ के पूरे पहाड़ों को और इस ठंडी हवा को एंजॉय कर रही थी, आसपास कोई भी मुझे नहीं दिख रहा था। सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ पे पानी भी है, हवा तो चल ही रही है और
चारों तरफ पहाड़ है, एक तरफ बड़े बड़े पेड़ है, मतलब काफी मजा आ रहा है और काफी पीसफुल जगह है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कोई भी नहीं है और मैं इस पीसफुल, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है, ये जो हवा चली और ये साथ में पानी की आवाज, ओह माय गॉड, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और इतना अच्छा फील हो रहा है कि मन कर रहा है मैं यहीं बैठी रहूं और सीरियसली मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ये जो जगह है ये बेसिकली मैंने आज़ाद कश्मीर, जो यहाँ पे बीच में गांव पड़ता है, वहाँ से बस उसी रास्ते से आते हुए यहाँ पे आपको ये जगह मिलेगी। और बिल्कुल प्लेन एरिया है, सामने इतना सुंदर पहाड़, मतलब क्या बताऊँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, बस इंजॉय कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं उस पूरे जंगल को क्रॉस करते हुए मैं यहाँ केदारचो पहुँची हूँ, जहाँ बहुत ही ठंडी हवा, नीला आसमान और ये पहाड़ बहुत ही सुकून दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।